नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अखिल गोयल है। मैं मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट हूँ। आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के उपलक्ष्य में हम बात करेंगे कि गठिया रोग के मुख्य लक्षण क्या होते हैं और इससे बचाव और इलाज कैसे किया जाता है। इसके मुख्य लक्षण होते हैं जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न होना, गर्दन और कमर के निचले हिस्से में दर्द और सुबह के समय अकड़न होना, हाथों और पैरों के जोड़ों में विकृति होना, लंबे समय तक बुखार होना, थकान रहना और वजन घटना भी लक्षणों में आता है। साथ में शरीर की मांसपेशियों में भी दर्द काफी होता है गठिया रोगों में। गठिया रोग जोड़ों के अतिरिक्त शरीर के बाकी भागों को भी हानि पहुंचाता है, जैसे कि चेहरे और शरीर पर लाल चकत्ते पड़ना, आंख और मुंह का सूखना। अगर ये फेफड़ों को हानि पहुंचाता है तो इंटरस्टीशियल लंग डिजीज जैसी बीमारी हो जाती है। ऐसे ही ये शरीर के बाकी भाग जैसे किडनी, ब्रेन, हाथ पैर की नसों को भी हानि पहुंचा सकता है। गठिया रोग से बचाव के लिए आवश्यक है पौष्टिक आहार और स्वस्थ जीवन शैली। खाने में हाई प्रोटीन डाइट और कैल्शियम रिच डाइट जैसे कि दूध, दही, छाछ, फल और हरे पत्ते सब्जियों का सेवन करना चाहिए। तेल वाली चीजों का कम सेवन करना चाहिए। धूम्रपान और शराब का सेवन ना करें। इसके अतिरिक्त रेगुलर एक्सरसाइज और मोटापा कम करना बहुत आवश्यक है। गठिया रोग को रोकने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग्स बोलते हैं। इसके अलावा पेन किलर और लो डोज स्टेरॉइड का भी उपयोग किया जाता है। आजकल गठिया रोग के इलाज में नई आधुनिक दवाई आ गई है जिसे हम बायोलॉजिक्स बोलते हैं, जिससे गठिया रोग का सफलतापूर्वक इलाज हो सकता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको गठिया रोग के लक्षण हैं जैसे हमने बताए हैं तो उसे अनदेखा ना करें, फौरन एक रोमेटोलॉजिस्ट या गठिया रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, जिससे आपका इलाज जल्द से जल्द शुरू हो और आपको जल्द से जल्द आराम मिले। धन्यवाद।